ग्वालियर पुलिस ने छात्र की हत्या का खुलासा किया है। पुलिस ने इस अंधे कत्ल का खुलासा कर आरोपी जीजा और उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक छात्र जिला भिंड का रहने वाला था और ग्वालियर में रहकर कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कर रहा था। आरोपियों ने रस्सी से छात्र का गला घोटकर हत्या करना कबूल किया है। वहीं पुलिस ने तीनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि दो दिन पहले बिहटा चौकी के पास हाईवे किनारे खेत में छात्र का शव मिला था। ये 5 तारीख को थाना महाराजपुरा क्षेत्र में बेहटा चौकी है, उसके पास में आगरा झांसी जो हाईवे है उस पर एक लाश मिली थी। इस लाश की सूचना पर पुलिस मौके पर गई थी और FSL अधिकारी, हमारे वरिष्ठ अधिकारी मौके पर गए थे। जो व्यक्ति है इसकी पहचान हुई थी उपेंद्र यादव के रूप में, 23 साल का लड़का है और इसको गले में दिखने से लग रहा था कि गला इसको घोटा गया है और थोड़ा सा उसके सिर पर भी चोट के निशान थे। इससे पूरी इसकी पूरी मालूम करके जो टीमें बनाई थी हमारे एडिशन्स की, अमृत मीणा, CSP नागेंद्र सिकरवार, TI महाराजपुरा जितेंद्र राठौर और सब इंस्पेक्टर रामचंद्र शर्मा उनकी टीम ने, तो उसमें इसकी जब जानकारी ली गई और सारी बातें पता की गई तो इसके एक बहनोई के ऊपर शंका गई कि उसका आना जाना संदिग्ध था, उसका जो जानकारी दे रहा था वो भी गलत। उस पर से उससे पूछताछ करने पर उसको फाइनली एक्सेप्ट उसने किया है कि उसने बेसिकली उसने टेंट का काम ये मृतक के साथ करता था और मृतक जो है अकेला ही लड़का था।